कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट शेयर करके प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली सहित कई सेलेब्स पर निशाना साधा है, जो कोविड-19 से जंग लड़ने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। कंगना ने 5 पॉइंट्स में अपनी बात रखी है। इन सभी पॉइंट्स में कंगना ने एक जगह मेंशन किया है कि अगर आप अमीर हो तो गरीबों से भीख ना मांगे। डालिए कंगना के पोस्ट पर एक नज़र। सलमान खान और कटरीना कैफ की मोस्ट अवेटेड फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग में पिछले कुछ समय से काफी दिक्कतें आ रही हैं। पहले फिल्म की शूटिंग कोविड-19 की वजह से रुक गई थी, फिर कटरीना कैफ कोविड पॉजिटिव हो गई थी जिस वजह से शूटिंग रुक गई थी। अब फिर से फिल्म पर मुसीबत आ गई है और इस बार वजह है तूफान। दरअसल हाल ही में खबर आई है कि टाइगर 3 का सेट जो फिल्म सिटी पर था वो भी तूफान से प्रभावित हुआ है। हाल ही में कंगना ने एक्ट्रेस सामंता केनेनी की खूब तारीफ की है। साउथ सिनेमा की दमदार एक्ट्रेस सामंता की वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज किया गया, जिसे देखने के बाद कंगना बहुत इम्प्रेस हुई और उन्होंने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की। उन्होंने लिखा, इस लड़की के पास मेरा दिल है। इस पोस्ट के साथ उन्होंने इंस्टा स्टोरीज में ट्रेलर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। सलमान खान ने जीशान सिद्दीकी की शेयर की गई तस्वीर को इंस्टाग्राम अकाउंट पर रीपोस्ट किया है। एक्टर ने बताया कि 500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की पहली खेप मुंबई पहुंच गई है, जहां से कोविड पॉजिटिव मरीज संपर्क कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेटर्स ले सकते हैं। सलमान ने अपने पोस्ट में आगे बताया कि ये ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स फ्री में दिए जाएंगे। मनोज वाजपेयी की अपकमिंग वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जहां लंबे इंतजार के बाद रिलीज हुए ट्रेलर को फैंस पसंद कर रहे हैं, वहीं कुछ वजहों से ये विवादों में भी आ गया है। कुछ लोगों का मानना है कि ये तमिलियंस की इंसल्ट है, तो वही कुछ लोगों ने इसे बैन करने की धमकी दी। डालिए कमेंट्स पर एक नज़र। टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा श्रॉफ रिसेंटली हुई मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट। वेल, उनकी हॉट लुक ने कुछ फैंस को किया दीवाना, तो कुछ फैंस ने उन्हें कर दिया बुरी तरह ट्रोल। डालिए कमेंट्स पर एक नज़र। कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलों को देखते हुए सैफ अली खान, यामी गौतम, अर्जुन कपूर और जैकलिन फर्नांडिस स्टार भूत पुलिस ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है। मेकर्स का मानना है कि भूत पुलिस का प्रीमियर जल्द ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर करेंगे, जिसकी बातचीत चल रही है। अनिल कपूर और सुनीता कपूर की शादी को 19 मई को 37 ईयर्स पूरे हो गए है। इस मौके पर सुनीता ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने पति का डांस करते हुए एक पुराना वीडियो शेयर किया है। डालिए एक नज़र। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के खास मौके पर फिल्म आरआरआर के निर्माताओं ने फैंस को तोहफा दिया है। फिल्म में उनके किरदार कोमराम भीम का फर्स्ट लुक गुरुवार को सामने आया, जिसे आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया। अर्जुन कपूर और परिणीति चोपड़ा की फिल्म संदीप और पिंकी फरार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म अमेजोन प्राइम पर आज रिलीज हो गई है। आप इस फिल्म का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं। अर्जुन कपूर ने खुद इस पोस्ट को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर किया है शेयर।